माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज जब से मेरा बर्थडे गया लाइक 24 जुलाई के बाद में वो काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि यार अपने बर्थडे गिफ्ट दिखाओ। स्ट्रेंजर से लेकर दोस्तों तक सब लोग एक ही सवाल, अपने बर्थडे गिफ्ट दिखाओ, अपने बर्थडे गिफ्ट दिखाओ। तो ठीक है यार, आज फाइनली काफ़ी टाइम के बाद आई एम गोइंग टू शो ऑल गिफ्ट्स आई गॉट ऑन माई बर्थडे। एक्सपेंसिव से लेकर क्यूट तक सारे। मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक पोल लगाया था कि आपको मेरे बर्थडे गिफ्ट्स देखने हैं, तो काफ़ी लोगों ने लिखा था हाँ यार देखने। तो आज की वीडियो फाइनली आ गई है, इसमें मैं अपने सारे गिफ्ट्स आपको दिखाने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टार ऑफ द शो से। वैसे तो ये चीज़ें लास्ट में आनी चाहिए बट लास्ट का कोई जाए ना जाए मुझे नहीं पता। तो ये मेरी नानी ने मुझे गिफ्ट की है, चेन विद डायमंड पेंडेंट, जो कि सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट है में से एक है जो मेरे को मिला है। ये चेन है प्रॉपर पूरी, यू कैन सी इसका इतना प्यारा डिज़ाइन है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड दिस इज़ द क्यूट पेंडेंट। इस पर फोकस अच्छे से आ रहा है तो आपको अच्छे से दिखेगा कि इतना क्यूट है ये। मुझे लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम इतनी अच्छी इस पर लुक आती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब माई नानी इज़ द बेस्ट सबकी होती है बट मेरी तो सबसे बेस्ट है। अब गिफ्ट है ये मेरे को, जो मेरा पार्टनर है हर्ष जिसके साथ मैं वीडियो बनाती हूँ, उनकी सिस्टर, उन्होंने मेरे को ये क्यूट सा क्लच गिफ्ट करा है। और मेरे को ये सबसे ज़्यादा, मतलब आज तक के सबसे क्यूटेस्ट क्लचेस में से ये एक है। मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्यूट लगा, इतना प्रीटी है कसम से, इज़ द बेस्ट लिटरली, शी इज़ द बेस्ट। अब ये है एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट जो मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया है, ये इतना प्यारा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत प्यारा है वो भी, सबसे बेस्ट है। जो अब है गिफ्ट वो है एक वॉच, ये प्यारी सी वॉच। इसका मेरे को ना डिज़ाइन लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब इतना यूनिक डिज़ाइन है। आजकल देखो स्मार्ट वॉचेस चल रही है बट इनकी तो यार बात अलग होती है सच्ची में। ये भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा गिफ्ट, एंड वो भी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसने मुझे ये दी है। ओके, अब हाफ ऑफ द पीपल जो है वेट करूँगे, यार मेरा पार्टनर जो इसके मैं वीडियो बनाती हूँ उसने मुझे क्या गिफ्ट दिया है, तो उसका तो लास्ट में ही आएगा यार, स्टार ऑफ द शो तो वही है। नेक्स्ट इज मेरी एक फ्रेंड है, सबसे क्लोज फ्रेंड मेरी, सबसे अच्छी दोस्त मेरी जो अब तक बनी है, उसने मुझे ये प्यारा सा टॉप जो है गिफ्ट करा। बहुत ही मेरे को ये अच्छा लगा बिकॉज ये बैकलेस है एंड बैकलेस टॉप मेरे को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं बट उसने पता नहीं कहाँ से ये मेरे लिए बाय करा। एंड ये सबसे अच्छा टॉप होगा आज तक की कलेक्शन में जो आने वाला है मेरा, एंड मैं इसको पहनने के लिए इतनी बेकरार हूँ पर कोई ऐसा यू नो ओकेजन ही नहीं आ रहा जिसमें ये पहन पाऊँ। शॉर्ट्स भी मेरे को उसी ने दी हैं, एक्चुअली उसने और मेरा एक फ्रेंड है उन दोनों ने कंबाइन करके मेरे को ये दोनों गिफ्ट्स दिए हैं, बहुत ही क्लोज है, दे बोथ आर बेस्ट, सबको ही बेस्ट बोल रहे क्योंकि सभी बेस्ट है मेरे लिए यार। तो ये जो है दो क्लिप्स ये मुझे मेरी मम्मी ने दी है। मेरे को ना यार छोटे छोटे गिफ्ट्स ही पसंद है, लाइक रिंग्स, क्लिप्स, नेल पॉलिश, ब्रेसलेट, मेरे को ना एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ज़्यादा नहीं अच्छे लगते, मुझे नहीं समझ आता ये सब, मेरे को ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्ट करती है। तो उनको पता है कि मेरा दिल उन्हें कैसे जीतना है इन छोटी छोटी चीज़ों से। एक और बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट उन्होंने मेरे को गिफ्ट करा मेरी मॉम ने, ये इसमें कितनी क्यूट सी बटरफ्लाई वगैरह, बहुत ही प्यारा है ये भी। वर्ल्ड के सबसे 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 अच्छे पेरेंट्स ना मेरे को ही मिले, वैसे तो सब बोलेंगे हमारे पास में बट यार मेरे तो बेस्ट ही हैं, जो भी है मेरे तो बेस्ट है। कि आपके पापा ने क्या गिफ्ट दिया आपको, तो यार मेरे पापा को इतना नहीं पता कि भाई मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं, उनको ये पता है कि मेरे को कुछ चाहिए तो मैं खुद से ही जाके लाऊंगी। तो ऑब्वियसली उन्होंने मेरे को कैश दे दिया उन्होंने जितना देना था, और उसमें मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती है जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी टाइम से चाहिए, एंड ठीक है ना, हैश ऑन डैडी कैश। गिफ्ट है ये मेरे को मेरी कज़न ने दिया है, और ये बहुत ही प्यारा कार्ड उसने मेरे लिए बनाया, लिटरली सबसे यूनिक कार्ड। मेरे का जो हाथ से करी हुई चीज़ें होती है ना यार वो सबसे बेस्ट होती है, हाथों में एक प्यार होता है, मीन्स जो होती है ना वो छोटी छोटी ना बच्चों की बातों को ना मैं दिमाग में रख लेती है। अब मैंने मम्मी को बोला था मुझे ना डायरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो उनको पता है कि भाई अब इसको उसके बर्थडे पे ही देना है सब कुछ। तो ये डायरी जो मैंने मांगी थी तो मेरे को डायरी मिल गई, इतनी क्यूट सी। एंड ये टॉप्स भी मेरी मॉम ने ही मुझे गिफ्ट करे हैं, इतने प्यारे से क्यूट से। और ये पेन
मेरी मॉम ने मुझे दिया क्योंकि मुझे पेन भी चाहिए था, इतना प्यारा सा एकदम ऑफिस टाइप पेन उन्होंने मेरे को दिया, एकदम प्रोफेशनल। और मेरा छोटा सा भाई जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट भाई मेरे को दिया है भगवान ने, उसने मेरे को ये प्यारा सा ब्रेसलेट गिफ्ट करा। उसको पता है कि भाई दीदी को छोटी छोटी चीज़ें पसंद है तो उसको पसंद आएगा ये। तब ये बेबी वाला केयरिंग जो मेरी मम्मी ने मेरे को दिया है, इसके पीछे का मकसद मुझे नहीं पता क्या है पर अच्छा है। नेक्स्ट गिफ्ट है ये कप जो मेरे को, जो ये भी मेरे को मेरे भाई ने गिफ्ट करा है, इसमें मेरी फ़ोटो लगी हुई है, इस पर लिखा हुआ है प्रिंसेस। काफ़ी टाइम के बाद मेरे को एक इतना अच्छा कप मिला। नेक्स्ट गिफ्ट है ये भी मुझे मेरी मॉम ने ही गिफ्ट करा है, ये बैग, क्योंकि मुझे एक बैग की नीड थी और इतना प्यारा कलर का इन्होंने मुझे बैग गिफ्ट करा। ये सारे तो आई थिंक मेरे से कुछ छूटा नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं भूल गई हूँ, उतना टाइम हो चुका, मुझे लगता कुछ छूटा है अभी। उसके मेरे पार्टनर के गिफ्ट रह गए आई थिंक, और सबके गिफ्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं जिन्होंने मुझे, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली ने इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए। इस बार तो चांदी चांदी हो गई मेरे बर्थडे पे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे पार्टनर के गिफ्ट से। सो तो फर्स्ट गिफ्ट जो है उसका, दिस जीवा ब्रांड का गिफ्ट। ओह शिट, क्या तो उसने मेरे को ये एक बहुत ही प्यारा सा जो है ब्रेसलेट गिफ्ट करा है, और उसको पता है कि भाई ब्रेसलेट पसंद है मुझे, सबसे अच्छा दोस्त है वो मेरा, मतलब उसको मैं टॉप में रखूँगी सारे दोस्तों में से, सच्ची में उसको मैं टॉप में रखूँगी बिकॉज ही इज़ द बेस्ट। तो उसने मुझे दिए जीवा के ही क्यूट से, बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे से टॉप्स कानों के, ये मेरे को ना ज़्यादा लटकने वाले ना पसंद नहीं है, उसको पता है कि भाई ये लटकने वाले नहीं पहनेगी मेरे से ज़्यादा, वो मुझे जानता है। नेक्स्ट है ये भी जीवा का सारा जीवा के छोटे छोटे दीज क्यूट मिनी परफ्यूम्स उसने मुझे गिफ्ट करे, एंड इनकी फ्रेगरेंस यार बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। नेक्स्ट उसने मुझे गिफ्ट करी ये बहुत ही प्यारी सी जीन्स, मैं ये जीन्स उस दिन ऑनलाइन देख रही थी क्योंकि मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है ये जीन्स, बहुत अच्छी लग रही थी बट वो आउट ऑफ स्टॉक हुई थी, मुझे नहीं पता कि उसने कहाँ से ये जुगाड़ लगाया, कहाँ से, वो अभी भी आउट ऑफ स्टॉक है, मुझे नहीं बता रहे कि कहाँ से लेकर आए, मतलब खुद ही टेलर पर बैठ के उसने ये जो किया। तो ये जो जीन्स है ये साइड स्लिट है, साइड से ओपन है और उस पर ये डिज़ाइन स्टोन लगे हुए हैं बहुत प्यारे, ये है आज तक की कलेक्शन में सबसे बढ़िया जीन्स जो मुझे मिली है, बहुत ही बढ़िया दोनों साइड है उससे। और तो मुझे ना आजकल ओवर साइज टी शर्ट से बड़ा प्यार हो रखा है, तो उसने मेरे को ये H&M की ब्रुकलिन की टी शर्ट दी, बहुत ही ज़्यादा ओवर साइज है ये बट उसको कौन समझाए, बट कोई बात नहीं, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। तो ये टी शर्ट उसने मेरे को दी है ओवर साइज फ्रॉम H&M ही बोला था उसने, H&M से देखी है मुझे नहीं पता कहाँ था। ये लेवेंडर कलर में, इस दुनिया में अपने पेरेंट्स के अलावा मैं तो दोस्तों से भी प्यार करती हूँ, मैंने पेरेंट्स को तो सबसे ज़्यादा करती हूँ, बगैर तीसरे नंबर पे कोई चीज़ आती है वो है शूज़ मुझे शूज़ से प्यार है, मोहब्बत है यार, लिटरली मैं शूज़ से भर सकती हूँ अपना कमरा, बट अभी बस काफ़ी हो गए हैं इसलिए मैं नहीं खरीद सकती। तो अब जो मैं उस दिन शूज़ देख रही थी उस दिन, उसको इन लोगों को पता नहीं पता कैसे चल जाता है कि मैं जो चीज़ देख रही हूँ वही मेरे को उन लोगों ने गिफ्ट कर दी। तो उस दिन मैंने उसको बोला यार ये शूज़ कितने बढ़िया लग रहे हैं यार, कितने सेक्सी, एकदम यूनिक शूज़ हैं यार, सबसे हटके, तो हाँ यार हटके तो है। और उसी दिन 12 बजे रात को जब ये मेरा केक काटने आया था तो उसने मेरे को ये शूज़ गिफ्ट करे, एंड गॉड अभी दिखाती हूँ। तो ये हैं शूज़, कॉनवर्स के शूज़, ये सब लोगों ने ऑलमोस्ट नाम सुना होगा कॉनवर्स का ऑब्वियसली, ये है वो शूज़ मॉन्स्टर, इसका नाम मैंने दिया है शूज़ का मॉन्स्टर, मैंने अपने सारे जूतों के नाम रखे हुए हैं, इसका नाम है मॉन्स्टर, इतना बढ़िया जूता है, इतना बड़ा, या बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को ये, नो डाउट, पता लग रहा होगा आपको भी देखने से। तो ये थे सारे गिफ्ट्स जो मुझे मिले मेरे बर्थडे पे, ये सबसे प्यारे गिफ्ट्स, इतने क्यूट 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 से भी क्यूट, मेरे को बहुत अच्छा लगा जिन जिन लोगों ने मेरे को गिफ्ट्स दिए, बहुत ही ज़्यादा थैंक यू फॉर दीज गिफ्ट्स, अपने मम्मी पापा को थैंक यू, अपने भाई को थैंक यू, अपने फ्रेंड्स को थैंक यू, एंड इन शूज़ के लिए स्पेशली मेरे पार्टनर को थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी डिमांड जो है फुलफिल हो गई होगी मेरे बर्थडे गिफ्ट्स देखने की। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी आएगी, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।